हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल सुजैन्स व्लॉग। जी आज करने जा रही हूँ मैं हाइलाइट्स। इनके बाल जो है वो मेटालिक डाई के साथ जो है वो ट्विटेड हैं। अब मैं करने लगी हूँ इनकी हाइलाइट्स, तो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पर बनाने लगी हूँ मैं कर्डम पाउडर हाइलाइट्स करने के लिए। अभी मैंने इसमें पाउडर डाला है, डेवलपर डाला है अकॉर्डिंग टू हेयर जो उसकी नीड है, और इसमें मैं डाल रही हूँ करेक्टर्स। करेक्टर्स की वजह से जो बालों को काफ़ी सपोर्ट मिल जाती है कलर अचीव करने में। तो जी अब देखते हैं, अब मैं इसको कर दूँगी अच्छे तरीके से मिक्स। मिक्स इतना करना है कि उसमें लम्स नहीं बनने चाहिए। ये अब जो है हम क्लाइंट के हेयर की जो है पार्टीशन कर लेंगे हाफ एंड हाइलाइट्स के अकॉर्डिंग। उसको हम जो है वो वीविंग की मदद से जो है वो निकालेंगे और फिर उसके ऊपर जो है हम कर्डम पाउडर अप्लाई करेंगे। एप्लीकेशन जो है वो बड़ी स्मूथली तरीके से होनी चाहिए। कहीं पे भी बाल जो है छूटना नहीं चाहिए। कहीं से भी अगर बाल छूटा तो फिर वो पैचेस क्रिएट करेगा अंटिल अनलेस बालों पे जो है वो मेटालिक डाई अप्लाई नहीं हुआ हुआ। अगर मेटालिक डाई है तो पैचेस तो आने ही आने हैं, बट अगर मेटालिक डाई नहीं हुआ हुआ तो फिर आपका बाल छूटने की वजह से भी जो है वो पैचेस क्रिएट हो सकते हैं। अब जो है वो बड़ी अच्छी टेक्निक के साथ जो है हम फॉइल को रैप कर देंगे ताकि हम इसको जो है वो सेव कर सकें अंदर फॉइल के अंदर। और रैप करने के बाद जो है वो इसको लॉक करना मत भूलिएगा। अभी आपको दिखाई देगा कि मैं इसको लॉक कर रही हूँ। यहाँ पर जो है बड़ी सफाई के तरीके से जो है हम तमाम बालों में जो है फॉइल लगा लेंगे अच्छे तरीके से, अच्छे मोटे मोटे से चंक्स लेकर। बहुत ज़्यादा मोटे भी नहीं होने चाहिए, बहुत ज़्यादा पतले भी नहीं होने चाहिए ताकि जब हाईलाइट्स हों तो वो प्रोमिनेंट हो, ठीक है, और दूर दूर होने चाहिए। यहाँ पर आपने छोटे से क्लिप में देखा होगा कि मैंने 2 इंच के सेक्शन निकाल कर जो है उसके अंदर जो है वो एक सेक्शन जो है ना 1 इंच का वो निकाल कर उसमें वीव किया है। तो ये अगर फार्मूला आप अप्लाई करेंगे हाइलाइट्स करते हुए तो हाइलाइट्स बड़ी बैलेंस आएगी और बड़ी खूबसूरत लगेगी। मतलब थोड़ी दूर दूर भी दिखाई देगी और एकदम खिचड़ी नहीं पक जाएगी जैसे डाई जैसा लगा दिया है। सो माई डियर गर्ल्स, मैंने बिगनिंग में जैसे आपको बताया था कि मैं मेटालिक डाई के ऊपर काम कर रही हूँ, अब मैं इसको लगी हूँ खोलने। ये देखें जो ब्राउन कलर का पैच आ रहा है ये मेटालिक डाई यूज़ करने की वजह से आ रहा है। मेरी क्लाइंट ने रिसेंटली रूट टचअप किया था जिसकी वजह से ये पैच इनके बालों में जो है वो बना है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूट टचअप करने की वजह से जो उन्होंने रिसेंटली किया था उसकी वजह से फ्रंट के बालों में पैच आया, बट पीछे के बालों में ऑफकोर्स उन्होंने रूट टचअप नहीं किया। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हर स्ट्रैंड जो है वो बिल्कुल पैच फ्री है, इसके अंदर कोई इस किस्म का जो है वो पैच नहीं है, बिल्कुल एक जैसा कलर है, बिल्कुल एक जैसा कट डाउन है। ये तमाम लेडीज़ से रिक्वेस्ट है कि वो मेटालिक डाई बिल्कुल यूज़ ना क्या करें जिसकी वजह से ये सब प्रॉब्लम आती है। मेरा कट डाउन का प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, अब मैं टोनिंग बनाने लगी हूँ। टोनिंग करने के लिए मैं 9.0 और 5.0 की ट्यूब जो है वो इस्तेमाल करने लगी हूँ। इसके साथ ही जो है मैं इसके अंदर शैम्पू ऐड करूँगी और उसके बाद जो है वो मैं इसमें डेवलपर डाल रही हूँ 20 वॉल्यूम। बालों की टोन अच्छे से बनाने के लिए मैं इसके अंदर वॉलेट कलर का करेक्टर भी डाल रही हूँ ताकि टोन अच्छे से बन जाए। जी अब अगेन अब इसको अच्छी तरीके से जो है वो मिक्सअप करना है ताकि ये बिल्कुल लम फ्री हो जाए। इसकी मिक्सिंग बहुत अच्छे तरीके से होनी चाहिए ताकि पिगमेंट जो है वो बड़ा अच्छा सा क्रिएट हो। यहाँ पर चल रही है बालों की टोनिंग एज यू ऑल कैन सी के मेटालिक डाई यूज़ करने की वजह से बालों के फ्रंट पर जो है वो ब्राउन कलर का पिगमेंट जो है वो अभी भी मेंटेन्ड है। इसे रिमूव करने के लिए हम कोशिश करें कि पर्पल शैम्पू यूज़ करें रिमोट का, ये आप देख सकते हैं। इससे काफ़ी हद तक जो है वो ऑरेंज कलर की टोन जो है वो पिगमेंट कंट्रोल हो जाती है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से जो है वो हम मसाज कर रहे हैं। आपने भी बहुत अच्छे तरीके से उसको काफ़ी एक गिव इट अ 5 मिनट्स, गुड 5 मिनट्स मसाज करने के लिए ताकि ये टोन जो है ना वो हल्की हो सके। अब देखिए टोन बनना शुरू हो गई है। पर्पल शैम्पू करने के बाद जो है जो हमने टोनिंग बनाई थी बालों के लिए, अब हम वो रेस्ट ऑफ द हेयर में जो है वो अप्लाई कर देंगे। मेरी तमाम खवातीन से रिक्वेस्ट है प्लीज़ मेटालिक डाई को इस्तेमाल ना किया करें। ये करने की वजह से हम ब्यूटिशियंस के लिए बहुत मसला होता है। हम फिर जो है वो सही तरीके से जो 100% रिजल्ट हम निकालना चाहते हैं बालों के अंदर वो नहीं लेके आ सकते। और इस तरह आप लोगों का भी जो है वो पैसा बर्बाद होता है, दिल ख़राब होता है कि आप वो चीज़ नहीं अचीव कर पाए जो करना चाहते थे। पर्पल शैम्पू करने और टोनिंग करने के बाद जो है हम कैरमल टोन को जो है वो अचीव कर चुके हैं। मैंने बड़ी स्मार्टली इसकी टोन डिसाइड करी थी। पैच होने की वजह से मुझे जो कट डाउन लेवल मैंने सेट किया था मुझे उसको थोड़ा सा डल करना पड़ा। अब मैं अपने क्लाइंट के बालों को करने लगी हूँ ड्राई, और ड्राई करने के बाद मैं इसको स्ट्रेट कर आपको उसका फाइनल लुक दिखाती हूँ कि हम क्या अचीव कर पाए हैं। सो माई डियर लेडीज़, ये रहा हमारा फाइनल लुक। हम कैरमल टोन जो है वो बड़े अच्छे तरीके से अचीव कर पाए हैं। बड़ी मेहनत, बड़े दिमाग को इस्तेमाल करने के बाद जो है हम ये काम कर पाए हैं। फ्रंट पे अभी भी हल्का फुल्का पैच था, बट शुक्र है जिस तरीके से मैंने इसकी टोन डिसाइड करी तो वो एक दूसरे के साथ जो है वो मर्ज हो गया। मेरी क्लाइंट शुक्र है काफ़ी हैप्पी हो गई थी।
और अगर आप भी मुझसे अपना काम करवाना चाहें अपने बालों का, तो मैं अपना नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, ताकि आप वहां से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकें। चैनल जो है वो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, एंड तक देखिएगा। थैंक यू सो मच, इट्स टाइम टू से गुड बाय, गॉड ब्लेस यू ऑल, खुदावंद आप सबके साथ हो, बाय बाय।